एमवीएम सीट बंटवारे पर अजीत खींचतान के बीच बोले उद्धव ठाकरे, सीट शेयरिंग पर बातचीत, आखिरी चरण में 2-3 दिन में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र की जनता एमवीए को सत्ता में लाना चाहती है, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान। 24 अक्टूबर को आदित्य ठाकरे नामांकन करेंगे दाखिल, मुंबई की वर्ली सीट से भरेंगे पर्चा। बांद्रापुर सीट से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार उतारा, आदित्य ठाकरे के करीबी वरुण सरदेसाई को दिया टिकट, फैसले से कांग्रेस के कई नेता नाराज। एमवीए में सीट शेयरिंग पर खींचतान बढ़ी, संजय राउत बोले महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं, हर फैसले के लिए आलाकमान से परमिशन क्यों। संजय राउत ने कहा अब सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस से मतभेद। संजय राउत पर नाना पटोले का पलटवार, कहा वो अपनी पार्टी में हाईकमान होंगे, हमारे यहां खड़गे और राहुल हैं। हाईकमान ने कल मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई, उद्धव ठाकरे उद्धव गुट से सीट शेयरिंग पर मची खींचतान पर होगी बात। महाराष्ट्र कांग्रेस के कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे प्रवेक्षक, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और भूपेश बघेल रहेंगे मौजूद। मालेगांव में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में हमें सावधान रहना पड़ेगा, वर्तमान सरकार कैसे बनी है पता ही है। महाराष्ट्र चुनाव में अलायंस पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, एमवीए के सामने हमने अपनी बात रखी, अब फैसला उनको करना है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की मजबूत पकड़ है, हमारी पार्टी हर हाल में लड़ेगी चुनाव, ओवैसी का बयान। एमवीए डेलीगेशन ने राज्य के प्रमुख चुनाव आयुक्त से की मुलाकात, वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने का लगाया आरोप। एमवीए का सरकार बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का अटैक। संभाजीनगर से एमएलसी सतीश चौहान को एनसीपी ने निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप।